यार इट एकोज इन माई माइंड एंड इट ऑलवेज विल टिल द एंड। इसकी तैयारी हो गई। पापा आज FITT फॉर्म की आखिरी डेट है, इसको करने के बाद मैं कर लूंगा। हमने पहले ही तुम्हें समझा दिया है कि इन सब में मत पड़ो। इतनी मेहनत करके तुम्हें इस लायक बनाया है, तुम्हारी स्कूल और कोचिंग की फीस दी है, इसलिए नहीं कि तुम इन सब को छोड़ के भाग जाओ। मगर पापा, कह दिया ना, अभी तुम्हारी प्लेसमेंट आ रही है, बेहतर होगा कि तुम ये सब छोड़ के अपनी तैयारी पर ध्यान दो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। एक बार उनकी बात मान तो सरी, एक बार प्लेसमेंट लगवा ले, फिर कर लेना अपनी हॉबी। दिव्यांश, दिव्यांश, शॉप था आपको? एक्सक्यूज मी, क्या आप अंदर कैसे आ रहे? अरे घबराओ मत, मैं यही कर लूँ बनाई। आप कौन से बस से पास आउट है? यही आज से उस 30 साल पहले। 30 साल मतलब 1994? कुछ ऐसे ही समझ लो। ये कमरा आज भी वैसे का वैसे है जैसे ये 30 साल पहले हुआ करता था। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस कमरे की एक तस्वीर खींच सकता हूँ? जी खींच लीजिए। इस कमरे को देख के सारी यादें ताजा हो गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये 30 साल पहले था। ये फोटोज आपको याद आती होगी ना इस कमरे की? इसको याद करने के लिए तस्वीरें क्यों? ये डॉल echoes in my mind. अच्छा ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे लिए क्यों? अरे हम भी तो रूममेट हुए ना। चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। आपने अपना नाम तो आज से कुछ 30 साल पहले। डोल एक्वाज़ इन माय माइंड।